मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे शर्व नाम के बारे में। किसके बारे में? सर्व नाम के बारे में। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने शर्व नाम के प्रकार में निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अगला प्रकार पर्सन वाचक सर्वनाम के बारे में। पर्सन वाचक सर्वनाम आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्सन वाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्सन वाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, आदि। पर्सनवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, आदि। कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन का बोध होता है उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, आदि। कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये क्या है? पर्सनवाचक सर्वनाम, जिसे क्या होता है? किसी पर्सन का बोध होता है। जैसे किसी पर्सन का, जैसे कौन आ रहा है, ये क्या एक पर्सन है। कहाँ जा रहे हो, ये भी क्या एक पर्सन है। क्या कर रहे हो, ये भी क्या एक पर्सन है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ, आदि। जैसे कोई, कुछ, आदि। कोई द्वार पर खड़ा है। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, तो ये कोई निश्चित तो नहीं है ना कि कौन खड़ा है। कोई द्वार पर खड़ा है तो अनिश्चित में क्या होता है? निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार
कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ खाने के लिए ले आओ। प्राइस कोई कोई सजीव प्राणियों के लिए आता है तथा कुछ वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। कोई किसके लिए आता है? सजीव प्राणियों के लिए आता है और कुछ वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे सर्वनामों में वचन कारक और लिंग। क्या देखेंगे? सर्वनामों में वचन कारक और लिंग। सर्वनामों में वचन कारक और लिंग। सर्वनामों के वचन सर्वनामों के वचन सबसे पहले क्या देखते हैं? सर्वनामों के वचन एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं तू वह हम तुम आप वे आप। एक वचन में क्या आते हैं? मैं तू और वह। बहुवचन में हम तुम आप और वे आप। मैं किस में आता है? एक वचन में और उत्तम पुरुष में। तू किस में आता है? एक वचन में और मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में वह। वह किस में आता है? एक वचन और अन्य पुरुष में। हम किस में आते हैं? बहुवचन और उत्तम पुरुष में। तुम और आप किस में आते हैं? मध्यम पुरुष और बहुवचन में। वे आप किस में आते हैं? अन्य पुरुष और बहुवचन में। ओके, अब हम देखते हैं सर्वनामों में कारक। सर्वनामों में